हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र नाथ और फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने म्यूजिक चैनल बैतुल धुन पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में आप देख रहे हैं कि कैसे हम अपने गाने को इम्प्रूव कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं और अपने आवाज को सुरीला बना रहे हैं। तो लीजिए एक चीज सुनते हैं, फिर हम आज का रियाज शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा ये कौन सा राग है। अब इसमें एक बंदिश सुनते हैं। सुंदर मोरते या श्याम सुंदर के, सुंदर मोरते या श्याम सुंदर के, मनमोहक छवि मनमोहन के, मनमोहक छवि मनमोहन की, सुंदर मूर्ति या श्याम सुंदर की, निरखत द्वैत मुख चंद्र नयन की, निरखत द्वैत मुख चंद्र नयन की, सुरभि सराय सके तन मन की, सुध भी सदाए सखे तन मन की, सुंदर मूरतिया श्याम सुंदर की, सुंदर मूरतिया निरगम मगरगा पागर सा, सुंदर मूरतिया निरगर सा निधन निरग गगरे मगा पमगरे धनी धनी रे सा, सुंदर मूरतिया मदनी नी पा मदनी सानी पा, पामरे मगा पामरे सा सुंदर मूरतिया, निर गम पम गम धनी सा निधा निर गज सा निधा पम गर गम धनी निधा पम गर सा सुंदर मूरतिया, पम गर गम पधिर गम पधिर पम गर गम मगर सा सुंदर मूरतिया, निर गम पम गम धनी सा निधा निर गज सा निधा पम गर गर सा सुंदर मूरतिया। तो आप देख रहे हैं ये राग, बताइए आप ही बताइए क्या है। चलिए हम ही बता देते हैं, ये राग है यमन। तो इसमें आपने एक छोटा ख्याल सुना। तो अब हम लौटते हैं अपने पुराने अभ्यास पे। जैसा कि हमने सा से पंचम तक का रियाज किया था, उन्हीं बिलावल के स्वरों में, शुद्ध स्वरों में रियाज करेंगे। जैसे कि सा से पंचम तक हमने आकार का रियाज शुरू किया है, अब पंचम के आगे व सा से सा तक, तार सा तक हमें रियाज करना है। तो आज का हम अभ्यास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। और वही बेल आइकन का जो सिंबल होता है उसको प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो शुरू करते हैं बिलावल के स्वरों में। अभी इससे पहले हम यमन कर रहे थे, अभी शुद्ध मध्यम लगा। सा रे ग म पा म ग र
कर कर के आज शुरू करेंगे। जैसे कि हमने कहा था सा, जो सा का जो साउंड है उसी पे हमें आकार का साउंड प्रोड्यूस करना है। कैसे? आ सा आ, बढ़िया गोल आवाज, सुरी सुनते हुए, सुर को तानपुरे को ध्यान से सुनते हुए खप जाएंगे। आ आ आ सा रे, हमें ये चेक भी करना है कि पहले सरगम में गाएंगे फिर आकार में गाएंगे। सा रे आ आ आ, लग रहा है कि नहीं? प्रॉपर सुनना भी है हमें, खुद अपनी सिंगिंग को जज करनी है कि कैसे वो हो रहा है, देखना है। पहले सरगम में लीजिए सा रे आ, आपको लगता है कि हाँ ठीक हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे सा रे ग उसको समझना है, धीरे धीरे उसको रियाज करना है साथ में।
अभी पंचम तक आ पहुंचे हैं, अभी हम धैवत तक प्रयास करेंगे। आ
जब भी आप आकार का रियाज कर रहे हैं, आप जब सरगम में गाते हैं तब तो आप बखूबी उस पर ध्यान होता है, साफ है जो भी सुर आप गा रहे हैं सरगम में, जैसे सारे। जब आप आकार में गा रहे हैं तो आ का जो साउंड है, तो आ के साउंड में आपको माइंड में वो सुर का साउंड प्ले करना है, मतलब आपके मन में वो उच्चारण होना चाहिए कि आप आकार में कौन सा सुर आप लगा रहे हैं। आ माइंड में सारे आ, वो अंदर रे ग चलना चाहिए कि आ के साउंड में कौन सा सुर है उसके अंदर, वो आपको यहाँ पे प्ले करना है अपने माइंड में। आ सारे रे ग आ मा ग आ ग ग रे आ रे सा आ आपको करना है। तो दोस्तों ये जो रियाज है आपको ऐसे अभ्यास करना है, एक एक नोट को आपको समझते हुए गाना है। तो दोस्तों आज का हम अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में एक नई जानकारी एक नए रियाज के साथ हम उपस्थित होंगे। आज अभी जो हमारे जितने भी वीडियोस की जो श्रृंखला आ रही है, आप एक एक वीडियो को जरूर देखें, उससे कि आपको बेसिक पूरा 1-to-1 एक जो सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। तो फिर से आप सभी को साधुवाद और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।